हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल बालाजी पे। वीवो ने एक और नई मॉडल लॉन्च कर दिया है, V15 Pro। देखो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हाईलाइट किया है, 6GB 128GB का रैम रोम है। तो देखते हैं कैसा है फ़ोन, क्या है इसके फीचर और क्या है इसके बॉक्स कंटेंट। अगर आप भी इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। देखो सबसे पहले 13MP पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है, उसके बाद ट्रिपल रियर कैमरा है और अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है जो कि 6.39 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, बिना किसी नोच के दिया है। देखो इसको हम ओपन करते हैं। देखो इसका हम वेपर हटाते हैं और देखते हैं। इसने प्राइस दी है हालांकि बॉक्स में 32,990, हालांकि इसकी इंडिया में प्राइस है 28,990 है जो कि आपको मिल जाएगा। अभी अभी लॉन्च हुआ है। देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें मिलता है यूज़र गाइड, वारंटी कार्ड और ये केस। केस बढ़िया दिया है। देखो इसका कटआउट जो कि ट्रिपल कैमरा है उसके लिए, और ऊपर की तरफ कटआउट है जो कि उसका सेल्फी कैमरा वो बाहर आएगा। देखते इसको हम लगा के। इसके बाद हमें मिलता है वीवो का V15 Pro। देखो रेड कलर में हमारे पास है। देखो ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। देखो इसमें डिज़ाइन दिख रही है ऐसे, जो लाइनिंग आपको दिख पाएगा। देखो ये ट्रिपल रियर कैमरा है। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और ये जब तक ओपन हो जाए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक हम बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। देखो हमें मिलता है इमेज स्टिकर्स, इसके बाद हेडफोन, और इसके बाद हमें मिलता है माइक्रो 2 USB माइक्रो। सी टाइप केबल नहीं दिया है यही बजट में, सी टाइप केबल होता तो बहुत अच्छा होता। और फास्ट चार्जर दिया है जो कि ड्यूल इंजन फास्ट चार्जर है, 9V 2A का चार्जर है जो कि वीवो इसको बोलता है 25% चार्ज करेगा 15 मिनट में, कि वीवो का कहना है। देखते हैं, ये तो चार्ज करने के बाद ही पता चलेगा। देखो ये ओपन हो गया है, देखो ये ऑन हो गया है। फ़ोन की सीधी हम बात करते हैं तो देखो राइट साइड में दिया है ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम की है और कुछ भी नहीं है। और ऊपर की साइड दिया है जो सेल्फी है, क्योंकि सेल्फी कैमरा यहाँ से बाहर आएगा। देखो ये बढ़िया बात है उसकी, और उसमें ऑडियो जैक है और कुछ भी नहीं है। और राइट साइड की बात करें तो ये बटन दिया है वो है गूगल, ये हमें गूगल असिस्टेंट में काम आएगा, गूगल असिस्टेंट का बटन दिया है। और ये है वो यहाँ पे मेमोरी लगेगा सिम, देखते हैं इसको हम खोल के। देखो यहाँ पे आप माइक्रो SD मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और पीछे की साइड दिया है दो नैनो सिम लगेंगे, तो हाइब्रिड नहीं है, तीनों स्लॉट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये पीछे दिया है जो कि एक स्पीकर ग्रिल है और प्राइमरी माइक है और चार्जिंग का सॉकेट और कुछ भी नहीं है। देखो इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, देखो इसके प्रोसेसर की बात करें तो 675 का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 675 AIE के साथ दिया है, और ऑक्टा कोर 2.0 GHz और 11.0 नैनोमीटर पे काम करेगा। और उसका वीवो का फंटस OS है। और उसका डिस्प्ले की बात करें तो 6.39 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि फुल HD डिस्प्ले इसको वीवो बोलता है। और 5th जनरेशन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया है, बाद में हम फिंगर सेट करके देखते हैं कितना फिंगरप्रिंट में। और इसका मेन हाईलाइट है कैमरा जो कि सेल्फी आगे की तरफ सेल्फी लेने के लिए बाहर आएगा। और पीछे तीन कैमरा दिया है जो कि पहला कैमरा है वो सैमसंग का GM1 सेंसर वाला है, जहाँ पे सेंसर दे आपको 48 मेगापिक्सल का 12 मिलियन पिक्सल का फोटो देगा। और जो कि दूसरा कैमरा है उसका वो है 8 मेगापिक्सल का, वो आपको अल्ट्रा वाइड लेंस में फ़ोटो आपको देगा। और तीसरा उसके बगल में है वो 5 मेगापिक्सल का, वो डेप्थ सेंसर के लिए आपको काम आएगा। और इसके अपर्चर वैल्यू की बात करें तो पहला वाला कैमरा में 1.8 का अपर्चर है, दूसरा में 2.2 का है, और तीसरा में 2.4 का अपर्चर वैल्यू है। जो AI सुपर मोड नाइट मोड में आपको पहला कैमरा जो कि फ़ोटो देगा, और सबसे
बात है उसकी फ्रंट कैमरे की। जो फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, जो कि पॉपअप सेल्फी उन्हें दिया है, इसको हम फोटो खींच के देखते हैं। देखो इसका आगे का कैमरा हम देखते हैं, इसकी पॉपअप सेल्फी जो उसने मेन हाईलाइट किया है। देखो यहाँ आगे का कैमरा ओपन करते ही सीधा बाहर आ जाता है, देखो 1 सेकंड के अंदर ही बाहर आ जाता है और 1 सेकंड में अंदर चला जाता है। देखो ये बढ़िया उसकी बात है। वो दूसरा हम देखते हैं इसमें और क्या है। तो दोस्तों देखो वीवो का ये था 15 प्रो। देखो इसका कैमरा फेस अनलॉक करते ही सीधा अपने आप बाहर आके अंदर चला जाता है, सिर्फ 1 सेकंड में काम करता है। तो आप भी इनबॉक्स में हमें बताना आपका ये फ़ोन कैसा लगा और इसकी प्राइस कैसी लगी। हम इसके रिलेटेड दूसरे वीडियो जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।